So let's start new editorials on this day, World Sparrow Day. So today is the Vishwa Gauraya Divas 2021. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो गौरैया जो वेयर कॉमन साइट इन द कॉटवाड एलमोस्ट इवेरी हाउस इन इंडिया. तो भारत के प्रत्येक घर में गौरैया देखने को मिलती है. नंबर ऑफ स्पैरो इज डिक्रीजिंग डे बाई डे, लेकिन इसका नंबर जो है दिन प्रतिदिन घटते जा रही है. वर्ल्ड स्पैरो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 20 इवेरी ईयर्स. तो प्रत्येक आज के दिन वर्ल्ड जो विश्व गौरैया जो दिवस है मनाया जाता है. इट इज इट अ डे टू राइज अवेयरनेस एंड प्रोटेक्ट द कॉमन हाउस स्पैरो व्हिच आर नॉट सो कॉमनली सीन नाउ ड्यू टू इंक्रीजिंग नॉइज पोल्यूशन. तो इस जो आज जो विश्व गौरैया दिवस है तो इसका इसको इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए, जागरूकता फैलाया जाए, क्योंकि हर घर में स्पैरो का आना जाना रहता है. तो उसको कैसे इंक्रीज कैसे उसको पॉपुलेशन को बचाए रखा जाए और हमारा जो नॉइज़ पोल्यूशन दिन पर दिन बढ़ा जा रहा है, जैसे हॉर्न हो गया, ट्रेन की आवाज़ हो गई, म्यूजिक की आवाज़ हो गई, तो इससे हमारी जो गौरैया है मर रही है प्रत्येक दिन प्रतिदिन. वर्ल्ड स्पैरो डे इज एन इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय द नेचुरल फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया. तो ये क्या है, ये जो वर्ल्ड स्पैरो डे जो इनिशिएटेड हुआ था, स्टार्ट हुआ था, वो नेचुरल फॉरएवर सोसाइटी के द्वारा इंडिया में स्टार्ट हुआ था विथ द इकोसिस एक्शन फाउंडेशन ऑफ फ्रांस. ये फ्रांस का जो इकोसिस एक्शन फाउंडेशन है उसके साथ में. इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड आउट द रीजन वाई आवर ओल्डेस्ट कंपनी आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. और इसका रीजन क्या है कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जो भी कंपेनियंस है वो क्यों हमारा पुराना जो है वो ख़त्म होते जा रही हैं धीरे धीरे. वर्ल्ड स्पैरो डे इज सेलिब्रेटेड विद द एम ऑफ ब्रिंगिंग अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ स्पैरो इन द वर्ल्ड एंड द डिक्रीजिंग नंबर ऑफ स्पैरो. तो स्पैरो का जो लक्ष्य है अवेयरनेस लोगों में फैलाना है और इसका जो नंबर है जो डिक्रीज हो रही है उसको बढ़ाना है. स्पैरो वॉज नोन एज मोस्ट फ्रेंडली एंड हाउस होल्ड बर्ड इन इंडिया, बट नाउ ये क्या है, बहुत ही हाउस होल्ड ये बर्ड है, घर में जाती है आती है, इसे कोई कुछ नहीं करता है. इट इज़ बैन डिसअपियरिंग रैपिडली, लेकिन दिन पर दिन लगातार क्या हो रहा है, इसकी जो डिसअपियर हो रही है नहीं दिख रही है, इनकी नंबर घटने के कारण ये नहीं दिख रही है. इन आवर चाइल्डहुड ड्यूरिंग बेड टाइम और ड्यूरिंग मील्स वी ऑल लिस्टन टू स्टोरी अबाउट स्पैरो मंकी फॉक्सेस किंग क्वीन इटीसी. हम लोग जब बचपन थे तो मंकी का, गौरैया का, फॉक्सेस का और किंग क्वीन का स्टोरी सुनते थे. हमारी मम्मी, हमारे पेरेंट्स, हमारी दादी माँ सुनाया करती थी. ईयर मोस्टली वी वेक अप बाय द मेलोडियस चिरपिंग ऑफ स्पैरो, बट दिस कॉमन हाउस स्पैरो आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन टूडे. जब भी हम लोग सुबह में उठते थे तो गौरैया का जो आवाज़ होता था वो हम लोग को सुहावना लगती थी, वो हम लोग को बहुत ही प्यारा गीत सुनाती थी, उसके बाद हम लोग का नींद खुलता था. लेकिन इसकी धीरे धीरे नंबर कम होने के कारण आज ये लुप्त हो गई हैं. इट इज़ सैड डैट नाउ स्पैरो आर जस्ट ए मेमोरी. आजकल क्या है, स्पैरो जो गौरैया सिर्फ उसकी यादें रह गई है और उसकी जो सच्चाई है वो देखने को नहीं मिल रही है. ड्यू टू लार्ज एंड ह्यूज टावरिंग बिल्डिंग्स नेचुरल फ्लोरा एंड फौना आर डिस्टर्ब एंड दिस ऑब्क्यूटस वर्ड्स इज नाउ नो लॉन्गर एंड कॉमन. हमारे टेक्नोलॉजी के कारण बड़े बड़े इमारतें बन रही है जिसके कारण इसकी जो उड़ानें थी वो कहीं ना कहीं इसको क्षति पहुँचाई. हमारी जो टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं इसको हार्म पहुँचाई. हमारा जो नेचुरल फ्लड है, फौना है, डिस्टर्ब हुआ जिसके कारण ये जो कॉमन इसका जो पॉपुलेशन वो दिन पर दिन घटते गया. द नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया एनवायरमेंटलिस्ट मोहम्मद दिलावर स्टार्टेड हिज इनिशिएटिव इन व्यू ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन इट्स पॉपुलेशन. द फर्स्ट वर्ल्ड स्पैरो डे वाज सेलिब्रेटेड इन 2010. तो ये क्या था, हमारा जो नेचुरल फॉरएवर सोसाइटी जो था इंडिया का, मोहम्मद दिलावर स्टार्ट किए थे और ये जो स्टार्ट हुआ था वो 2010 में स्टार्ट हुआ था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और धीरे धीरे ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ विश्व में भी होने लगा. अकॉर्डिंग टू 2018 रिपोर्ट ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन द बॉन्ड्स बिटवीन ह्यूमन्स एंड स्पैरो इज 11,000 ईयर्स ओल्ड. तो अकॉर्डिंग टू अगर रॉयल सोसाइटी लंदन के अनुसार देखा जाए तो मानव और गौरैया का जो संबंध है 11,000 वर्ष पुराना है. द स्टडी सेड डैट द सिमिलर एडेप्टेशन स्टार्टेड थ्रू एग्रीकल्चर इन 3 डिफरेंट स्पेसीज. तो देखा गया है कि जो स्टडी एडेप्टेशन हुआ है स्टार्टेड वो 3 से 4 एनिमल्स का हुआ, जैसे डॉग्स हो गया, डोमेस्टिक स्पैरो एंड ह्यूमन्स, ये तीन थे.
तो अब देखा जाएगा, लेट्स स्टार्ट अबाउट द स्टेटस ऑफ एस्पोरो इन इंडिया। तो एस्पोरो स्टेटस जो है एस्पोरो का इंडिया में वो क्या है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सर्वे बाय द रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स, द नंबर ऑफ अदर बर्ड्स हैज़ इंक्रीज्ड इन द लास्ट 40 ईयर्स। देखा गया है रॉयल सोसाइटी के प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड के द्वारा कि दूसरे जो बर्ड की जो जनसंख्या है वो 40 साल में बढ़ी है, बट एस्पोरो नंबर से डिक्रीज बाय 60% इन इंडिया। लेकिन उसी तरह देखा जाए तो इसका नंबर गौरैया का जो है 60% भारत में घटी है। देयर आर 26 स्पेसीज ऑफ एस्पोरो वर्ल्ड वाइड वाइल 5 ऑफ देम आर फाउंड इन इंडिया। पूरे विश्व में देखा जाए तो 26 स्पेसीज है एस्पोरो का, लेकिन भारत में जो सिर्फ है वो सिर्फ 5 प्रकार का जो स्पेसीज है वो इंडिया में है। अकॉर्डिंग टू द 2015 वर्ल्ड सेंसस वेयर देयर आर ओनली 5692 एस्पोरो इन लखनऊ एंड अबाउट 775 एस्पोरो इन सम एरिया ऑफ पंजाब। इन 2017 ओनली 29 एस्पोरो वेयर आइडेंटिफाइड इन त्रिवेंद्रमपुरम। अ सर्वे बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR फाउंड दैट देयर नंबर डिक्रीजिंग 80% इन आंध्र प्रदेश, स्टेट लाइक केरला, गुजरात एंड राजस्थान है बीन अप टू 20% डिक्लाइन। तो देखा गया कि सबसे ज़्यादा जो गौरैया का जो नंबर डिक्लाइन हुआ है कहाँ पे हुआ है, वो है आंध्र प्रदेश में। उसी तरह देखा जाए गुजरात, केरला, राजस्थान में तो ये 20% तक डिक्लाइन हुआ है। अगर बात की जाए हाउस ऑफ एस्पोरो के, तो जो गौरैया का घर होता है वो क्या होता है, कॉमन जो उसका नेम देखा जाए तो वो होता है हाउस एस्पोरो। उसका साइंटिफिक नेम जो होता है, बायोलॉजिकल नेम, वो होता है थ्रेसर डोमेस्टिकस। इसका जो हाइट होता है वो 16 सेंटीमीटर होता है। अगर विंग्स स्पेन की बात किया जाए तो 16 सेंटीमीटर वो अपना विंग फैलाती है, और वजन की बात किया जाए तो 25 से 40 ग्राम तक होती है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात किया जाए तो लिस्ट कंसर्न ऑन द रेड लिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो हाउस एस्पोरो इज वाइड स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड इनिशिएटिव इनहैबिटिंग वेरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका। तो ये क्या है, विश्व की सब जगह में पाई जाती है, सिर्फ अंटार्कटिका, चाइना एंड जापान को छोड़कर। इट इज नेटिव टू यूरेशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। और ये क्या है, यूरेशिया और नॉर्थ अफ्रीका की ये है नेटिव ये बर्ड्स है। इट इज़ स्टेट बर्ड्स ऑफ बिहार एंड दिल्ली। और गौरैया की बात की जाए तो बिहार का और दिल्ली का क्या है, स्टेट बर्ड है। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि बिहार से तो जानते हैं कि गौरैया का स्टेट बर्ड बिहार का है, लेकिन ये दिल्ली से जब पूछेगी तो लोग कन्फ्यूज होंगे कि आखिर दिल्ली का ये क्या है। तो याद रखेंगे कि बिहार और दिल्ली दोनों का स्टेट जो बर्ड है वो क्या है, गौरैया है। इट इज़ नोन टू स्टे क्लोज टू ह्यूमंस इन हैबिटेट्स एंड इज देयरफॉर अमंग द मोस्ट कॉमनली फाउंड बर्ड्स स्पेस इन अर्बन सिटी। तो ये क्या है, ये देखा जाए तो ह्यूमन का बहुत ही क्लोज स्टे करता है, रहता है, एंड देयर फॉर अमॉन्ग मोस्टली फाउंड इन बर्ड्स स्पेस इन अर्बन। और मोस्टली देखा गया है कि जो शहर में है वहाँ पे ये कम पाई जाती है, लेकिन देहात में जो है, अर्बन जो एरिया होता है, अर्बन सिटी जो होता है वहाँ पे कॉमनली फाउंड होती है ये। सम ऑफ द काउजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ इट्स पॉपुलेशन आर, तो जो कुछ कॉमन काउज है, कारण है जो उसकी पॉपुलेशन घटने का, तो उसमें क्या है, पहला है अनफ्रेंडली आर्किटेक्चर ऑफ आवर होम। उसका जो घर का कॉमनली जो आर्किटेक्चर है वो नहीं मिल पा रहा है। द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन क्रॉप में हम लोग जो भी फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसके कारण उसकी खाने से डेथ हो जाती है। नॉइज पॉपुलेशन जो कि ट्रेन का हो गया, एरोप्लेन का हो गया, और म्यूजिक का हो गया, जो डीजे हो जो शादी वादी में बढ़ते थे, इसके कारण भी नॉइज पॉल्यूशन होता है, उसका डेथ होता है। और क्या होता है, एक्सहॉस्ट फ्यूम्स फ्रॉम व्हीकल, जो गाड़ी का जो धुआं होता है वो भी ज़्यादा निकलता है, उससे उसकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है और उसका डेथ हो जाता है। इन इंडिया हाउस स्पैरो इज फाउंड थ्रू आउट द कंट्री अप टू द असम वैली एंड लोअर पार्ट ऑफ द असम हिल्स टुवर्ड्स द ईस्टर्न हिमालय। द स्पेसीज आर रिप्लेस्ड बाय द यूरेशियन ट्री स्पैरो। तो ये हमारा आज का एडिटोरियल रहा। तो ये आज विश्व गौरैया दिवस है, वर्ल्ड स्पैरो डे, तो उसी को याद में रखते हुए, उसकी याद में, गौरैया की याद में ये एडिटोरियल बनाया गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर इसे बेनिफिट्स मिलेगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।